आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। देखो ये हमारा प्रोग्राम, हमारे पास गिवन है एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज, ठीक है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, और वो अप्लाई करी है हमने RL की कॉम्बिनेशन सर्किट में, ठीक है, जिससे ये हमारी वोल्टेज है, ये वोल्टेज की फॉर्म है, ठीक है, ये हमारी वोल्टेज है और ये हमारा करंट है, और करंट है हमारा ये, ठीक है, ये करंट आ गया सर्किट में। हमें निकालना पावर कंजप्शन। पावर कंजप्शन क्या होता है? पावर कंजप्शन होता है पावर इक्वल टू IRMS इंटू VRMS इंटू कोस फाई। फाई होता है फेज फैक्टर, ठीक है, तो यहाँ पे फेज फैक्टर क्या है, इन दोनों के फेज में डिफरेंस है जो, ठीक है, तो फेज फैक्टर यहाँ पे 60 डिग्री, ठीक है, इसका एंगल है 120t, इसका 120t माइनस 60 डिग्री, तो 60 डिग्री का हमारे पास डिफरेंस आ गया, ठीक है, तो हमारे पास पावर क्या आ जाएगी, पावर आ जाएगी I की RMS वैल्यू, ठीक है, तो I की हमारे पास पीक वैल्यू है, तो मतलब क्या हो जाएगी, I पीक अपॉन स्क्वायर रूट टू, वी पीक अपॉन स्क्वायर रूट टू, और कोस 60 डिग्री होती है 1/2। तो इसको सॉल्व करते हैं तो आ जाता है आई पीक इंटू वी पीक अपॉन 4, ठीक है। अब हम जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, वी की पीक वैल्यू कितनी है, वी की पीक वैल्यू 220 वोल्ट, तो 220 × 4/4 वाट, तो हमारे पास पावर क्या आ गई, 220 वाट्स, तो ये हमारे पास पावर आ गई, तो यही हमारा आंसर है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।